हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक आपको दिख रहा होगा बेटा कि लिखा है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑन सॉरी ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अभी तक के वीडियोस में हमने देखा था सीरीज पैरेलल का डेरिवेशन, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल कुछ लिए थे, ठीक है। आई होप वो सब आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो हमने सीखा था इस सीरीज को कंबाइंड कैसे करते हैं, पैरेलल को कैसे होता है, क्या उसमें सेम रहता है, क्या डिफरेंस रहता है, ये सब चीजें सीखी। अच्छा, हमने देखा था कि हमारे घरों में जो अप्लायंसेस लगते हैं वो किसमें सेट किए जाते हैं बेटा, पैरेलल में। किसमें सेट किए जाते हैं, पैरेलल में। अच्छा, तो यहाँ पर हमें सीखना है कि ये पैरेलल में सेट क्यों किए जाते हैं, इससे क्या होता है, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा। लिखा है फर्स्ट टॉपिक, देखिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट थ्रू इच रेसिस्टर इज डिफरेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब हम अप्लायंसेस को हमारे घरों में पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो हमने सीखा था कि वहां पर करंट डिफरेंट हो जाता है, करंट अलग अलग बढ़ जाता है, हमने सीखा था। और पोटेंशियल क्या मिलती है हमें, सेम। ये दो पॉइंट हमने सीखा था, करंट क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। मान लो हमारे घर में इस कमरे में चार पंखे लगे हों, चारों पंखों का कनेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग स्विच से। जैसे अलग अलग स्विच मिला तो हम कह सकते हो किसमें है बेटा कनेक्टेड, पैरेलल में। स्विच हमने ऑन किया एक का, तो पहला पंखा चालू हुआ, ऐसे चारों स्विच हमने ऑन कर दिए। तो जब चारों स्विच ऑन किए तो चारों पंखे जब चलना स्टार्ट हुए हमारे, तो वहां पर चारों पंखों में अलग अलग करंट गया कि नहीं गया। अच्छा, अलग अलग करंट गया, लेकिन हमारा वहां पोटेंशियल क्या मिला बेटा, सेम, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज डिफरेंट। करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट। अच्छा, करंट डिफरेंट से हमें फायदा क्या होगा, सोचिए, करंट डिफरेंट से हमें फायदा क्या होगा। मान लीजिए कि ये जो हमारे फैन है, मान लीजिए चार पंखे हमारे हैं, चार फैन है ये, और इसको हमने सीरीज में कंबाइन कर दिया। इसमें कंबाइन कर दिया बेटा सीरीज में। अब सीरीज में क्या होता है, करंट तो सेम जाएगा लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंट। जब अलग अलग पोटेंशियल जाएगा तो इन्हें अलग अलग वोल्टेज मिलेगा, तो ये फैंस अच्छे से चल नहीं पाएंगे, ओवरलोडिंग हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमने इसको सीरीज में ना करके किसमें कंबाइन कर दिया बेटा, पैरेलल में। जैसे हम इसको पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो वहां वोल्टेज क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। और जैसे वोल्टेज सेम मिलेगा तो चारों पंखे हमारे घरों में जो लगे हैं वो इक्वली रेट से चलेंगे, ऐसा देखा है हमने, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज कॉन्स्टेंट। हमने देखा था कि जो पोटेंशियल है वोल्टेज, वो सारे रेसिस्टर मतलब जो पंखे हमने लगाए हैं उसमें क्या मिल जाएगा हमें, सेम। ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और पोटेंशियल क्या रहेगा, डिफरेंट। जिससे जितने भी हमारे रेसिस्टर लगे हैं, जितने भी हमारे अप्लायंसेस लगे हैं, उनको सेम पोटेंशियल मिलेगा और वो प्रॉपरली वर्क कर सकेंगे। लेकिन अगर इसको सीरीज में कर दिया जाएगा तो पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, जिससे प्रॉपरली ये वर्क नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बाद, और नेक्स्ट भी लिखा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इज ऑलवेज लेस देन आइदर ऑफ रेसिस्टेंस इंक्लूडेड इन द सर्किट, ठीक है। पैरेलल में जो हम सर्किट सॉल्व करते थे, जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखा हो दो चीजें पैरेलल में हो, ठीक है, दो चीजें ये है पैरेलल में, दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, टू और टू, ठीक है, और इसी टू और टू को मैं सीरीज में रखता हूं, और टू और टू का जब हम पैरेलल निकालेंगे तो टू मल्टीप्लाई बाई टू अपॉन टू प्लस टू ये होगा, कितना हो जाएगा बेटा, फोर बाई फोर इज इक्वल टू वन। अच्छा, सीरीज में इसका क्या आंसर आएगा, फोर। देखिए सीरीज में कितना आ रहा है, फोर, और पैरेलल में कितना आ रहा है, वन। तो इसका मतलब आप थोड़ा फील करें कि जब हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो रेसिस्टेंस हमारा क्या आता है, इक्विवेलेंट कम आएगा। किसके कंपैरिजन में, सीरीज के। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा आपको,
अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस तो होता था बेटा जो करंट को जाने से क्या करे, अपोज करे। तो सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा और पैरेलल में हमें रेजिस्टेंस क्या मिलता है, कम। इन जो चारों पंखे हमने एग्जांपल दिए चारों फैन का, अगर उसका हम टोटल रेजिस्टेंस निकाले पैरेलल में लगा के और उसी का रेजिस्टेंस निकाले सीरीज में लगा के, तो सीरीज वाला ज्यादा है तो करंट को जाने से रोकेगा, लेकिन पैरेलल का ज्यादा नहीं आएगा, जिससे आसानी से हमारे फैन प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज ऑलवेज लेस देन आइदर ऑफ रेजिस्टेंस इंक्लूडेड इन द सर्किट। इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इफ वन कंपोनेंट ऑफ सर्किट इज डैमेज। पैरेलल में हमने सेट किया है, मान लो आपके घर में चार पंखे लगे या चार बल्ब लगे, अलग अलग बल्ब लगे पैरेलल में, एक बल्ब फ्यूज हो गया, चार में से एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो क्या तीनों बल्ब पूरे वर्क प्रॉपरली नहीं करेंगे? करते हैं, एक बल्ब फ्यूज हुआ तो हम उसको चेंज कर देते हैं। ये एडवांटेज है किसका, पैरेलल में सेट करने का, सपोज सीरीज में अगर आप सेट करते हैं, यही चीज सीरीज में सेट होती है, ये बल्ब जो है सीरीज में लगे होते हैं ऐसे को, तो एक अगर ये फ्यूज हो जाता, ये फ्यूज हो जाता तो सर्किट ब्रेक हो जाती, तो ये भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, या ये फ्यूज हो जाता तो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, सर्किट हमारी क्या हो जाती है ब्रेक। कब? जब हम सीरीज में कोई भी एक बल्ब या कोई भी एक अप्लायंस बेटा जब फ्यूज हो जाए या प्रॉपर वर्क ना करे तो उससे सारी अप्लायंसेस हमारे अफेक्टेड होती है, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है। तो इनका क्या है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इफ वन कंपोनेंट ऑफ सर्किट इज डैमेज, अगर एक कंपोनेंट हमारा क्या हो जाता है डैमेज हो जाता है, देन रेस्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सर्किट विल परफॉर्म देयर वर्क, अपना वर्क परफॉर्म करेंगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ये बहुत अच्छा एडवांटेज है किसका बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का ओवर किसके, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, क्लियर? चलिए अब देखिए ये जो रेड पॉइंट आपको लिखा दिख रहा है ये तो पैरेलल का है, ये पॉइंट अच्छे से याद करना है आपको, नोट करना है, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं बेटा ऐसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब देखिए यहां पर रेड वाला पॉइंट आप पढ़े तो लिखा है द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ए सीरीज सर्किट इज दैट यू कैन ऐड एडिशनल पावर डिवाइसेस यूजुअली यूजिंग बैटरीज, दिस विल ग्रेटली इंक्रीज द ओवरऑल फोर्स ऑफ योर आउटपुट बाय गिविंग यू मोर पावर। मतलब समझे इसका कि सबसे बिगेस्ट जो एडवांटेज है किसका बेटा, इस सीरीज सर्किट का, सीरीज का। अच्छा ये वाला टॉपिक तो यही रखा बेटा, अब एक पॉइंट है कि सीरीज का हमें जो बिगेस्ट एडवांटेज मिलता है ना, जैसे दिवाली में आप देखते हो कि झालर आता है उसमें 100 amp bulb, 1000 amp bulb, 500 amp bulb लगे होते हैं, उसको क्या करते हैं हम किसी अलग बैटरी से कनेक्ट कर दें या किसी पावर पॉइंट से कनेक्ट कर दें तो पूरा का पूरा एकदम जलना स्टार्ट हो जाता है एकदम हाई रेट से, है ना, इक्वली एकदम पूरा ग्लो करेगा जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा ग्लोइंग मिलेगा और देखने में बड़ा अच्छा लगता है ना, दिवाली में आपने देखा है। तो वो चीज जो मिली है अगर उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते, सपोज करिए कि अगर हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते, सपोज 100 बल्ब है तो यहाँ ज्यादा हो जाएंगे, मान लेते हैं 10 बल्ब हो हमारे पास और 10 बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करना है, दिवाली का झालर है ठीक है, उसमें मान लीजिए 10 बल्ब लग गए उसको हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो 10 बल्ब का कनेक्शन अलग अलग देना पड़ेगा, स्विच अलग अलग 10 देनी पड़ेगी, वहां पर आपको फिर ऑन ऑफ करना पड़ेगा तो दिक्कत होगी ठीक है। तो ये जो एडवांटेज है ना, मेजर एडवांटेज सीरीज का ये रहा आपका कि एडिशनल पावर डिवाइस हम यूज करके उसका क्या, दिस विल ग्रेटली इंक्रीज द ओवरऑल फोर्स, ये पूरे फोर्स को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, आपका आउटपुट जो है ज्यादा पावर के थ्रू मिलेगा जिससे हमारे बल्ब क्या करते हैं ज्यादा ग्लो करते हैं। तो मेजर जो है बेटा एडवांटेज सीरीज सर्किट का वो यही है, इसको अच्छे से आप नोट कर लेंगे, बस इससे ज्यादा तो नहीं है, अगर आपको टॉपिक मिलता है तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, मैंने मेन टॉपिक बताया बेटा जो ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, मेन आपको यही याद रखना है जिससे आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए इसको अच्छे से पॉज करके नोट कर दीजिएगा बेटा,
आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये तो हो गया एडवांटेज की बात। आई होप आप लोग आपके क्वेश्चंस ट्राई कर रहे होंगे, एनसीईआरटी उठाइए, हेल्प बुक उठाइए क्लास टेंथ का, उससे सॉल्व करिए, पिछला वीडियो देखिए जिससे और पॉइंट हमारे क्लियर हो सके। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये टॉपिक को हमें कवर करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा हीटिंग इफेक्ट। अच्छा, नाम से आपको पता चल रहा होगा। अच्छा सपोज करिए, या आपको पता भी होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो क्या बेटा हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है कि नहीं। तो बस यही हीट क्यों जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता है, इसका हम डेटा के यूज क्या ले सकते हैं, वही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, तो यस योर आंसर इज राइट बेटा, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो हीट जनरेट होता है। अगर कोई पूछे क्यों सर हीट क्यों जनरेट हो रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि एक कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो रैंडमली पाथ में फ्लो करते हैं। ठीक है, जब रैंडमली पाथ में फ्लो करते हैं तो उनके बीच में कॉलिजन होता है। क्या होता है कॉलिजन, क्या होगा आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे। ठीक है, टकराने के बाद फिर दूसरे से टकराएंगे, फिर तीसरे से टकराएंगे, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण क्या जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है हीट। इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टिंग वायर में फ्लो करते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टिंग वायर में फ्लो करते हैं तो उनके बीच में भाई इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी वहां होगी, जब वो फ्लो करेंगे तो आपस में क्या करते हैं कोलाइड, क्या करते हैं बेटा कोलाइड, जिसके रीजन से क्या प्रोड्यूस हो जाता है हीट, क्या प्रोड्यूस हो जाता है हीट। अच्छा, आपको बहुत शॉर्ट में इतना आपको अपने दिमाग में बिठाना है अच्छे से कि जब किसी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो आप पहले भी जान चुके हो कि उसमें इतना तेज मोशन होगा और इतना कम गैप होता है उनके बीच में, और उनका मोशन बेटा रैंडमली होता रहता है, रैंडमली ऐसे होता रहता है, जब रैंडमली होगा एक इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपस में फ्लो जब करेंगे तो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, टकराने के कारण क्या जनरेट होने लगता है हीट। अब ये हीट जो जनरेट हुआ कितना हुआ, कैसे हुआ, ये तो देखा हमने भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन का 10th क्लास है, तो मैं एकदम बढ़िया से यहाँ पर बता दिया हूँ आपको, और डीपली भी नॉलेज आपको मिलेगा हायर क्लासेस में। अच्छा, हीट तो जनरेट हो गया, उसका रीजन हमने जाना। अच्छा, कितना जनरेट हुआ, ठीक है, कितना हो सकता है। अब इस पे हम बात करेंगे कि किसी कंडक्टिंग वायर में जो हीट जनरेट होता है वो कितना हो सकता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, क्या करने से और बढ़ेगा घटेगा। तो थोड़ा सा हम अपने मैथमेटिकल स्टडी के थ्रू चलेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे ही कितना जनरेट हो सकता है। तो चलिए बेटा हम लोग लेते हैं, सपोज करें कि एक हमने बैटरी लगाई बेटा, क्या लगा दी बैटरी, और इस बैटरी से आई करंट फ्लो हो रहा हो, वी वोल्ट की बैटरी हो, वी वोल्ट की बैटरी है, आई करंट फ्लो हो रहा है, मान लो यहाँ पर कोई अप्लायंस ले सकते हो, यार मैंने ले लिया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है, या स्विच आप लगा सकते हो ऑन ऑफ का, ठीक है, करंट फ्लो है आर रेजिस्टेंस है, और जो ये करंट फ्लो हो रहा है ना बेटा वो टी टाइम के लिए हो रहा है, कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए फ्लो हो रहा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ठीक है, हमारा टारगेट क्या है टी। अच्छा, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो कहूं कि बेटा बताइए इसमें चार्ज कितना फ्लो हुआ, क्यू, ठीक, वी वोल्ट की बैटरी है, स्विच है, हाई करंट फ्लो है, आर रेजिस्टेंस है, हाई करंट जो फ्लो है, फ्लो हो रहा है वो टी टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, आपसे पूछ रहा है चार्ज कितना होगा, कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा। तो ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढे जिसमें क्यू इज इक्वल टू इनके कंपेरिजन में आ जाए, हमें एक फॉर्मूला पता है बेटा क्या, आई इज इक्वल टू क्या होता था, करंट का फॉर्मूला क्या है ना, Q by T, तो Q is equal to क्या हो जाएगा बेटा, I into T, I into क्या हो गया T, clear? तो हमने लिख दिया कि भाई चलो चार्ज कितना फ्लो होगा यहाँ पर, I into T, इसको मान लिया हमने इक्वेशन वन, ठीक है। अब ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है
क्या फ्लो हो रहा है बेटा? चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो, अगर आपसे पूछूं मैं कि ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसमें वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन, ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढे जिसमें डब्ल्यू आ जाए क्यू हो वी हो, ऐसा आपने पीछे पढ़ा होगा एक फॉर्मूला था वी बेटा, वोल्टेज पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी, क्यू इंटू क्या हो गया बेटा वी, इसको हमने मान लिया इक्वेशन, ठीक है। अब इस क्यू की वैल्यू, इस क्यू की वैल्यू इसमें पुट कर दो, हमें निकल के आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बेटा, आई टी इसको क्या बेटा वी, क्लियर। अच्छा यही जो वर्क डन हो रहा है, यही जो वर्क डन हो रहा है, कोलाइड हो रहे इलेक्ट्रॉन और यही जो वर्क डन हो रहा है वही किसमें चेंज हो रहा है, हीट में। तो हम यहां पर ले सकते हैं कि यहां हीट जो जनरेट हुआ वो कितना हुआ, यहां पर फॉर्मूला क्या आया है, आई इंटू टी इंटू क्या बेटा वी, ठीक है। अब हमें पता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या होता था, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू क्या होता था आई आर। तो वी के प्लेस पे ये पुट करेंगे H इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा आई इंटू टी इंटू आई इंटू आर, आया। इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी, या तो कैपिटल में लिखना चाहो तो H इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। यही सबसे मेन फॉर्मूला है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। क्या याद रखना है आपको, पहले आई स्क्वायर आर टी, क्या याद रखना है आपको, आई स्क्वायर आर टी। अच्छा अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये आपने क्यों निकाला, अच्छा इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले से हम एक चीज सीख सकते हैं बेटा, यहाँ पर कह रहा है एच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर एंड एच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टी, है ना। ये तीन कौन से, हीट जो जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल किसके हैं, करंट के स्क्वायर के, करंट के स्क्वायर के। और हीट जितना हीट डायरेक्टली प्रपोर्शनल किसे कह रहा है, रेसिस्टेंस के। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। इस पॉइंट को दिमाग में बैठाएं, जितना ज्यादा कंडक्टर में रेसिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा, जितने टाइम के लिए फ्लो करेगा उतना ज्यादा हीट जनरेट करेगा, जितना करंट उसमें जाएगा उसके स्क्वायर के इक्वल होगा क्या हीट जनरेट, ठीक है। कंपेयर करिए इसको, अब अगर ये दिमाग में आपके बैठा, मैं तीनों में से इसको ले रहा हूं और इससे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जितना रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उतना हीट जनरेट होगा। अब इसका मतलब समझे कि भाई हमें मिल गया, हमने प्रूफ कर दिया कि जब करंट फ्लो होता है तो हीट जनरेट करता है। अच्छा हीट जनरेट किया तब अब अपने डेली लाइफ में उसका यूज कैसे दें, भाई बहुत लंबा चौड़ा पड़ लिया, ये लाया हमने, फिर ये लाने के बाद हम इसको फील कर रहे हैं बेटा कि अब जब ये पूरा हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, डेरिवेशन कर दिया, तब अपने डेली लाइफ में यूज तो बना है इसका। चलो अब यूज में लेते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा होने से हीट ज्यादा मिलता है, ये तो चीज प्रूफ हो चुकी है। अच्छा जब ये चीज प्रूफ हो गई बेटा तो हम यहां कह सकते हैं कि देखिए हमारा एक, हमारे पास एक होता है बेटा बल्ब, ठीक है, टोस्टर होता है, क्या होता है टोस्टर होता है, ठीक है, हीटर होता है, क्या होता है हीटर। अच्छा और एग्जांपल दे सकते हो आयरन, जो इस्त्री करते हैं आयरन, ये देखो ये सब किस पे बेस्ड है, इस पे बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। बहुत आसान, जब हमने ये जाना भाई जितना रेजिस्टेंस वायर में होगा उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा, बहुत बढ़िया बात। तो हमने क्या किया बल्ब में, वो येलो वाला बल्ब जिसमें टंगस्टन का वायर लगा होता है, याद होगा आपको कि एक बल्ब होता था जिसमें किसका वो लगा होता था बेटा टंगस्टन का, होता था ना टंगस्टन का बल्ब वायर, और टंगस्टन जो होता है वो बैंड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो इस टंगस्टन में
टंगस्टन में रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा जनरेट होता है। देखो वो किसमें कलर हो जाता है, ग्लो करने लगता है, तो लाइट में पूरी दिखती है, दिखती है कि नहीं दिखती, बिल्कुल सही। अच्छा अब देखिए टोस्टर, टोस्टर जो होता है उसमें जैसे हम टोस्ट को डालते हैं वो हीट करके निकाल देता है तुरंत। हीटर, हीटर में देखिए एक हम लगाते हैं एक बोर्ड से वायर को, और हीटर होता है ना अंदर उसके ऐसे स्पाइरल शेप में वायर होता है, नाइक्रोम का इसका वायर होता है, नाइक्रोम का। देखो ये जो वायर गया है ये मान लीजिए कॉपर का है, क्या है कॉपर का, ये ग्लो नहीं किया, जो हमने बोर्ड से वायर लगाया मोटा सा कॉपर का लगाया, और इस हीटर में जो वायर लगा था वो तो किसका लगा था, नाइक्रोम का। अब ये ग्लो नहीं किया, लेकिन जैसे हीटर ऑन होता है देखिए रेडिश ग्लो यहाँ पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो नाइक्रोम क्यों ग्लो किया, क्यों इसका ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, करेगा तो रेजिस्टेंस कॉपर का ज्यादा कि नाइक्रोम का, नाइक्रोम का ज्यादा। तो इसीलिए हमने इसका यूज किसमें किसमें दे दिया, बल्ब में, टोस्टर में, हीटर में, आयरन में, आयरन में भी नाइक्रोम का वायर लगा होता है जिससे हमें बड़ी आसानी से इसका हीट मिलता है, और उसको उस हीट को हम एज अ फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, एज अ फॉर्म ऑफ हीट यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि अब आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता था तो बेटा हीट जनरेट होता था, तो कितना हीट जनरेट होता है हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल देखा तो ये हमें मिला, तो हमने ये देखा, अब इसी को पकड़ के हमने क्या किया अपने डेली लाइफ में जो यूज हो रहे हैं हमारे ये बल्ब, टोस्टर, हीटर, आयरन को हमने अपने डेली लाइफ में उसको कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया और अच्छे से ये चीजें होने लगी, ठीक है। तो ऐसे यही है बेटा साइंस, एक्सपेरिमेंट होता है, थ्योरी बनती है, फिर उसके बाद हमें छोटा सा पॉइंट मिला, हमने अपने लाइफ में उसका यूज करना शुरू कर दिया, अपने डेली लाइफ में आप इसके बहुत सारे अप्लायंसेस देखोगे, तो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप ये सब देख सकते हो। अच्छा इसको अच्छे से नोट करें, अब हम आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं बेटा, तो न्यूमेरिकल थोड़ा कैलकुलेशन हमें करना है, न्यूमेरिकल्स का कैलकुलेशन करना है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ एक पॉइंट और जानना है, पावर, क्या जानना है बेटा पावर। अब देखिए हम यूज तो कर रहे हैं बल्ब का, टोस्टर का, हीटर का, आयरन, ये सब हमारे घरों में अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है। अब इन अप्लायंसेस जब हम घरों में यूज करेंगे बेटा रेसिस्टेंस ज्यादा है, जब रेसिस्टेंस ज्यादा आपने देखा होगा फिर भी क्या होगा, जितने फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये बल्ब, कंगस्टन वाले, टोस्टर, हीटर, आयरन, इस सबका बिजली का बिल ज्यादा आता है, आता है कि नहीं आता, ठीक जी। तो उसी लिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इस फॉर्मूले को पावर से कंपेयर करके और उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि भाई कितना बिजली का बिल आता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं और क्या इसमें हो सकता है और कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे लेते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको अच्छे से पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मेन अपने सिर्फ दिमाग में क्या बिठाना है, हीटिंग इफेक्ट का जो फॉर्मूला है, हीट जनरेट इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, क्या होता है बेटा आई स्क्वायर आर टी। तो हमने तो ये पढ़ लिया कि सर आपने बताया एच इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, तो इसने जूल्स में दिया था, तो जूल्स लॉ भी कहा जाता है इसको, जूल्स ने बताया था तो इसको जूल्स लॉ भी कहा जाता है, जूल्स ने ही इसको ऑब्जर्व किया था, तो हम कह सकते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी इसको कहा जा सकता है बेटा, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें पढ़ना है पावर के बारे में, ठीक है, कौन सा पावर, हमने नाइन्थ में पावर को पढ़ रखा है, पावर पढ़ रखे हो ना, पावर क्या होता था, रेट ऑफ गोइंग ओवर, है ना। तो हमें कुछ है, थोड़ा सा एक चीज ऐड कर देना है, क्या बेटा, इलेक्ट्रिक पावर, क्या ऐड कर देना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पावर। बहुत सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, जैसे रेट ऑफ गोइंग ओवर हमने पढ़ा था नाइन्थ में, रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, पावर। रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट बेटा, पावर, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक पावर है, तो यहां पर जो हमने लिखा है रेट, अब यहां पर जो डेफिनेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग, रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग, रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग एनर्जी,
रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है उसी को हम क्या कह देंगे बेटा, इलेक्ट्रिक पावर। क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक पावर, या इससे भी आप चल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी फॉर्मूला है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, या इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू ई बाई टी, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या करने में, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या करने में, प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल वहां पर आप ऐड कर दोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो इसका भी डेफिनेशन आपका बन जाएगा, वो भी सही है। लेकिन हम यहाँ पर इससे चलेंगे, लेकिन फॉर्मूला हम दोनों यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर बन गया क्या बेटा, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये, ठीक है। इससे हम ये भी कह सकते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू टी। तो ट्रांसफर करके हम कई सारे फॉर्मूले को बना सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पावर का हम देखते हैं बेटा यूनिट के बारे में, ठीक है। अब वर्क डन, वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, क्या होती है, जूल, क्या होती है, एनर्जी, इसमें हमने कहा जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ठीक है। अब ये तो हो गया ये यूनिट, अब पावर की जो एसआई यूनिट बनी है बेटा उसको कहा गया वाट, क्या कहा गया बेटा वाट, नाइन्थ में पढ़ रखे हो आप। अच्छा, अगर लिखा है एक बल्ब है जो है 60 वाट का, कितने वाट का बल्ब है बेटा, 60 वाट, इसका मतलब समझ, 60 वाट का बल्ब इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि 60 जूल की एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम या प्रोड्यूस करेगा, 60 जूल की एनर्जी पर सेकेंड प्रोड्यूस या कंज्यूम कर रहा है। 100 वाट का बल्ब है तो 100 ऑफ जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम कर रहा है, इसलिए बिजली का बिल देखिए बढ़ता है, जितने ज्यादा वाट का बल्ब लगाओगे उतनी ज्यादा इसकी बिजली बढ़ती जाती है, ठीक है। डेफिनेशन हो गया, ऐसा यूनिट होगी। और अदर यूनिट की भी बात करते हैं जो हमारे टेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये तो हम गई यूनिट की बात, तो अब हम यहाँ बात करेंगे अदर यूनिट। अब पावर की एसआई यूनिट क्या मिली बेटा, पावर की एसआई यूनिट मिल गई हमें बेटा वाट, क्या मिल गई है वाट। अच्छा, बिगर यूनिट क्या होगी, किलोवाट, बिगर यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, किलोवाट, ठीक है। अब एसआई होगी, अब इसके बाद एक होता है बेटा, इसका एक अदर भी यूनिट होते हैं जिसे हम कहते हैं हॉर्स पावर, क्या कहते हैं बेटा, हॉर्स पावर, शॉर्ट फॉर्म में होता है एचपी, शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है बेटा, एचपी। तो यहां पर वन हॉर्स पावर अप्रोक्सीमेट होता है 746 वाट के, इसके वाट के कितने वाट का होता है बेटा, 746 इज इक्वल टू भी कह सकते हो, लेकिन अप्रोक्सीमेट होता है 746 वाट। तो हमारे टेंथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा वो कॉमर्शियल यूनिट है, क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर की एक कॉमर्शियल यूनिट होती है, कौन सी यूनिट होती है, कॉमर्शियल यूनिट। तो कॉमर्शियल यूनिट क्या है, कॉमर्शियल यूनिट जो होती है बेटा वो होती है किलो वाट आर, क्या होती है, किलो वाट आर, या इसे हम कहते हैं वन यूनिट, क्या कहते हैं, वन यूनिट, ठीक है। आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है, जहां मीटर लगा है, जहां पर काउंट करता है कितना यूनिट चला, याद होगा, वहीं आप देखिएगा सिंबल लिखा होता है स्मॉल के, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एच, किलो वाट आर, क्या लिखा होता है, किलो वाट आर। तो ये कॉमर्शियल यूनिट होती है, या बीटीयू भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। तो हमें ज्यादातर टेंथ में काम है किलो वाट आर का। तो ये जो किलो वाट आर है, हम चेक करना चाहते हैं कि इस किलो वाट आर में कितनी जूल एनर्जी होती है, भाई एक यूनिट में एक यूनिट आया बिजली का बिल, तो एक यूनिट में कितनी एनर्जी गई, कितने जूल की एनर्जी, हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या बेटा, ये हो जाएगा हमारा 1 किलोवाट आर, तो 1 किलोवाट आर में 1000 वाट होगा, 1000 वाट मल्टीप्लाई बाय आर है, इसको सेकंड में करेंगे तो 60 into 60, क्या बेटा, सेकंड, ठीक है,
60 क्या हो गया हमारे पास, सेकंड हो गया। तो अब 1000 ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36, 1, 2, 3, 4, 5 क्या वाट इंटू सेकेंड। ठीक है, इस वाट इंटू सेकेंड को ही हम कह सकते हैं जो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी 1 किलोवाट आवर होती है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू इतनी एनर्जी वो क्या होती है बेटा कंज्यूम करता है। तो इतनी जूल की एनर्जी बेटा आपको क्या वो आपके घर में जो अप्लायंसेस लगे हो क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं, तो उस हिसाब से आपको बिजली का बिल चुकाना पड़ता है। तो कैसे कैलकुलेशन करना है ये पहले कंप्लीट हो जाता है, फिर तो उसके बाद आप पूरा डिटेल लेंगे। ठीक है, अच्छा इतना समझ में आया, इसको पॉज करके नोट कर लें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस पावर वाले फॉर्मूले को हम कंपेयर करेंगे अपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो आया था फॉर्मूला उससे। अब देखिए बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला आया है, हमारे पास एक फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला है पावर का P इज इक्वल टू होता है W बाई टी या होता है E बाई टी। ठीक है, तो जैसा यूज में होगा दोनों को कंबाइन करके, क्योंकि हमें जो हीट जनरेट हो रहा है बेटा, जो हीट जनरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें पावर निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला इसमें मर्ज करना है। तो इस फॉर्मूला मर्ज होगा तभी कंबाइंड न्यूमेरिकल आते हैं इस पे, जिससे हम पावर उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा डब्ल्यू इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन टी लिखा है बेटा, तो इस डब्ल्यू अपॉन टी में हम इसको हमने क्या कहा था कि जो वर्क डन हुआ था वो हीट आया था, तो हम इसको कह सकते हैं कि फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क डन था तो आ जाएगा W इज इक्वल टू B बाई आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये गया तो बचेगा क्या, W इज इक्वल टू क्या बेटा बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अच्छा अब ये जो फॉर्मूला आया है हमारा, इस W को पुट करेंगे उस W के प्लेस पर, तो P is equal to W के प्लेस पर क्या पुट करेंगे B square by R into T, W के प्लेस पे ये रहा ये वाला फॉर्मूला अपॉन क्या है T, फिर हम क्या कर देंगे multiply by T, नीचे था T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P is equal to क्या निकल के आ गया, P is equal to आ गया हमारे पास B square by R। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना है और फॉर्मूलों को याद रखना है आपको, एक फॉर्मूला ये निकल के हमारे पास आ गया P इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर। देखा, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अब जो हमें टेंथ में पावर निकालना है उस पावर में वोल्टेज दिया रहेगा, रेसिस्टेंस दिया रहेगा, करंट दिया रहेगा, तो इसीलिए जो हमने ये पढ़ा था नाइन्थ में उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हाँ हम कह सकते हैं कि बिजली का बिल निकाल सकते हैं, लेकिन अब हमें रेसिस्टेंस वगैरह भी निकालना है, इसीलिए इसको मैं कंपेयर करके इस फॉर्मूले में मर्ज करता हूँ जिससे आपका फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, पहला समय में आ गया बेटा पावर का, वहां ध्यान देना है आपको, यहाँ पर भी आप अलग अलग तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अब हम नोट करते हैं दूसरा, ये तो हो गया, अब दूसरा फॉर्मूला है हमने आई के प्लेस पे पुट किया बेटा, अब हमारे पास है V is equal to IR, Ohm's law, इसके थ्रू अगर R की वैल्यू हम लिखना चाहें तो आ जाएगा V by I, तो अगर R के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे तो W is equal to क्या हो जाएगा बेटा I square into R के प्लेस पे क्या हो जाएगा V upon I into क्या बेटा T। ठीक है, तो हमने क्या किया इस W का जो फॉर्मूला आया था उसको पुट कर दिया वहां पर, कहां पर बताइए हमें कि P is equal to क्या होता है बेटा W by T, तो W जो है W तो उसके प्लेस पे पुट करेंगे तो हो जाएगा I स्क्वायर इंटू V by I V
सी बाई आई इन टू क्या बेटा टी। अच्छा अब ये अपॉन टी है तो यहाँ पर हम टी रख सकते हैं आराम से, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई टी से करेंगे तो टी से टी हमारा कैंसिल हो जाना है, कोई मतलब नहीं है। हमारे पास टी का फॉर्मूला क्या जाएगा बेटा, टी का फॉर्मूला आ जाएगा आई, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई है, तो आई से यहाँ क्या कैंसिल हो गया बेटा आई, तो फॉर्मूला क्या आ गया बी आई, फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास बी आई, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया आ गया है बी आई। हम यहाँ कह देंगे कि दूसरा फॉर्मूला हमारा बी इंटू आई बन गया। एक पावर का फॉर्मूला आप इससे यूज कर सकते हो, ई इज इक्वल टू ई बाई टी तो पहले से पता है, और ई इज इक्वल टू पी इंटू टी इससे भी आप चल सकते हो, ये फॉर्मूला एक फॉर्मूला, दूसरा ए तीसरा ए, यहाँ पर दे रहा हूँ, या तो आप चल सकते हो ई इज इक्वल टू पी इंटू टी से, ठीक है, तीन फॉर्मूले आ गए। तो ऐसे फॉर्मूले को हम ऐड करके बेटा बहुत सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं बेटा पुट कर सकते हैं, जिससे हमारी अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर आ सकती हैं। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पर लिखा है P इज इक्वल टू बी आई, और P इज इक्वल टू पी इंटू टी जो हमें इससे पहले से पता था, तो इस फॉर्मूले को अब हम यूज करके निकालना सीखेंगे कि पावर रेटिंग कितना पावर प्रोड्यूस हुआ, अगर रेसिस्टेंस दिया है, देखिए अगर वोल्टेज दिया रेसिस्टेंस दिया है पावर पूछ गया तो इससे निकाल सकते हैं, पावर दिया वोल्टेज दिया रेसिस्टेंस पूछ गया इससे निकाल सकते हैं, वोल्टेज दिया करंट दिया तो भी पावर निकल सकता है, या पावर दे दिया करंट दे दिया वोल्टेज निकल सकता है, इज इक्वल टू पी इंटू टी लिखा है, पावर दे दिया टाइम दे दिया एनर्जी निकाल सकते हो, एनर्जी दे दिया पावर दे दिया टाइम, तो ट्रांसफर करके हम वैल्यूज को यहाँ से बहुत सारे चीज़ें निकाल सकते हैं। तो आप इसके आगे भी कोशिश कर सकते हो बेटा, कई फॉर्मूला बनाना चाहो तो कई फॉर्मूले आप बना सकते हो इससे, ठीक है, मैंने आपको आइडिया बता दिया कैसे बनाना है, वैल्यूज आप पुट करते जाए एक से हमारा फॉर्मूला बनते जाएगा, जो मेन फॉर्मूला मैंने आपको बताया है तो इसको अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है, फिर इसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल और पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं, पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करके इसकी वीडियो बनाएंगे और आप अच्छे से देखिएगा, इससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, इसको अच्छे से रिवाइज करके देखिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।